Good evening, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Now, today's motivation is how to continue your studies at any cost. आपको आपके education को, आपकी पढ़ाई को कभी भी option नहीं बनाना है. Your study, your job, your dreams should not be an option. कई बार ऐसा होता है when the girls become mature 23 years to 26 years old then एक changes आते हैं उनके life में, they feel a change and that change is कि अपने career को बिना पूरी तरह से settle किए ही उस mid पे ही they have to enter in a relationship, a marriage relationship. जब रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं उस रिश्ते में माँ बाप क्या देखते हैं, लड़का कितना कमाता है. आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू माँ बाप का काम है लड़का कितना कमाता है ये देखना, बट एट द सेम टाइम आपका काम है लड़का कितना समझता है ये देखना, है ना. और कमाई को आप रिजेक्ट कर सकते हो समझदारी के सामने, क्योंकि समझदारी रहेगी तो दोनों मिलकर भी कमा लेंगे. लेकिन जहाँ पर समझदारी नहीं रहेगी वहाँ एक इंसान कितना भी कमा ले यू वोंट बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ. सो पेरेंट्स को अपना काम करने दीजिए, बट इवन दो आपके लाइफ में ही चेंजेस आ रहे हैं यू हैव टू गिव इट टाइम, फिर भी आपकी पढ़ाई स्टॉप नहीं होनी चाहिए. चाहे पड़ोसी आकर के बैठ जाए तब भी स्टॉप नहीं होना चाहिए, चाहे रिलेटिव्स आकर के बैठ जाए तब भी स्टॉप नहीं होना चाहिए, चाहे आपके फ्रेंड्स ग्रुप बना करें कि ना आ जाए, आपको पढ़ाई करनी है, आपकी पढ़ाई स्टॉप नहीं होनी चाहिए. एंड सबसे बड़ी बात, व्हेन यू इंटर अ रिलेशनशिप तभी आपको स्टडी कंटिन्यू करनी है. आपकी शादी हो जाने का मतलब या उसमें इंटर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लाइफ के सपनों के साथ में कॉम्प्रोमाइज करोगे. इसीलिए या तो करो ही मत जब तक आप सेटल नहीं हो जाते. इट डजंट मैटर कि आप कितने ईयर्स के हो जा रहे हो, क्योंकि ये दुनिया की मेंटेलिटी है कि 30 ईयर्स के बाद में लड़कियां शादी नहीं कर सकती, रिश्ते नहीं आते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द साइंस इवन इफ अ गर्ल इज 30 ईयर्स ऑफ ओल्ड सी कैन गिव बर्थ टू अ बेबी. क्योंकि जो मेनोपॉज है वो तो 45 ईयर्स में होता है, 40 to 45 ईयर्स. तो उस केस में कम से कम लड़कियों को 27-28 मिलना ही चाहिए. बट क्या कर सकते हैं, यू नो, हमें सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी के साथ रहना होता है. और हमारे पेरेंट्स का भी मजबूरी है बिकॉज उनका और हमारा एक जनरेशन गैप है. सो हमें भी इस चीज़ को पॉइंट में रखना है कि रिश्ते भी ना टूटे और हमें उन्हें अच्छे से समझा भी दें और हमारा जो करियर है वो भी बच जाए. हेंस आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई हर हाल में कंटिन्यू करना है. और मुझे लगता है आजकल के लड़के बहुत समझदार हैं. दे कैन सपोर्ट योर वाइफ टू स्टडी, दे कैन सपोर्ट देम टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट. सो आप यू नो यू मेक इट श्योर फर्स्ट एंड आप दुनिया की किसी भी चीज़ के आगे बस अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो स्टडीज है, अपना जो जॉब है ना, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी ही रखना. बिकॉज जिंदगी में ना वही काम आएगा. पूरी दुनिया साथ छोड़ सकती है बट द डिग्री विच यू हैव, एजुकेशन, द नॉलेज विच यू हैव, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी. थैंक यू एवरीवन. रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के. रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के. थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. मिलते हैं कल नए एक्सपीरियंसेस के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन.